हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी गैरेज चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा P0011 कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर। अगर आपकी भी कार में अगर ये कोड आ रहा है P0011 तो आपको इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि P0011 कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है कार में। और आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर क्या होता है और कहाँ पे आता है और आपको क्यों इसको आने के बाद गाड़ी को जो है चालू नहीं करना, बंद करके आपको सबसे पहले उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों P0011 कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर, यानी कि कैमशॉफ्ट का पोजीशन सेंसर, यानी कि जो इंजन में कैमशॉफ्ट रहता है, ऊपर कैमशॉफ्ट रहता है। अगर आपको पता होगा इंजन के बारे में तो नीचे जो है क्रैंकशॉफ्ट रहता है और ऊपर जो है कैमशॉफ्ट रहता है और दोनों जो है कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, यानी कि बेल्ट के मदद से या फिर टाइमिंग चेन के मदद से, यानी कि टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन जो है दोनों को कनेक्ट करती है कैमशॉफ्ट को और क्रैंकशॉफ्ट को। और क्रैंकशॉफ्ट और कैमशॉफ्ट जो है दोनों कनेक्ट रहता है और दोनों जो है एक ही साथ फिरना चाहिए, तभी आपका जो है सिलेंडर ऊपर नीचे होगा, वॉल जो है ऊपर नीचे होगी और तभी जो है आपकी गाड़ी चलेगी। तो कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर क्यों आता है और किस वजह से आता है और वो आने के बाद आपको जो है गाड़ी बिल्कुल भी चलानी नहीं है, आपको गाड़ी बंद करनी है, आपको पहला तो चेक करना है कि उसकी टाइमिंग सही है या नहीं है, कि कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर क्यों आता है, यानी कि ऊपर का जो कैमशॉफ्ट का पोजीशन रहता है उसकी जो टाइमिंग रहती है, यानी कि जो इंजन की टाइमिंग रहती है, वो टाइमिंग चेक करने के लिए सभी जो है सही से चल रहा है या नहीं, इंजन में जो क्रैंक जो सही से पोजीशन में चल रहा है वही पोजीशन में कैमशॉफ्ट सही से चल रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर रहता है। अगर आपका भी इंजन में कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर यानी कि P0011 आ रहा है तो आपको गाड़ी चालू करना नहीं है, यानी कि स्टार्ट गाड़ी बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सबसे पहला तो सेंसर को चेक करना है, यानी कि सेंसर में कुछ खराबी होगी तभी आएगा, तो आपको पहला सेंसर चेक करना है कि सेंसर सही से है या नहीं, उसको वायरिंग आ रही है नहीं या फिर सेंसर खराब है या नहीं है, वो सभी जो है चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर सभी सेंसर सही है और सेंसर में कुछ खराबी नहीं है, सेंसर में करंट सही से आ रहा है, सेंसर की वायरिंग सही है, तो आपको जाना पड़ेगा मिस्त्री पास और वहाँ से आपको उसकी टाइमिंग चेक करनी पड़ेगी, यानी कि इंजन की जो टाइमिंग आती है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर इंजन की टाइमिंग में कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो आपको कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर आएगा और वो गाड़ी जो है क्या होगा, वो आपको इंजन का काम निकाल सकती है इस वजह से। तो आपको डिटेक्ट करने के लिए आपको एक चीज़ दिया गया है कि कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर और चेक इंजन, अगर आपका ये चीज़ आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है मिस्त्री पास लेकर जाइए और उसकी टाइमिंग चेक कराइए। अगर आपको थोड़ा सा टाइमिंग चेंज रहेगा तो वो सही से करेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने वो आने के बावजूद आपने उसकी गाड़ी को जो है अच्छे से चला रहे हो, पूरा जो है लेकर जा रहे हो, तो टाइमिंग खराब होने की वजह से आपकी जो है यानी कि जो वार रहती है वो चली जाएगी और आपको आपको पूरा आधा इंजन जो है उड़ाल करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या करिए कि सबसे पहले अगर आपको P0011 अगर कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर आ रहा है तो आप जाइए मिस्त्री पास और उसकी टाइमिंग वगैरह सभी जो है चेक करिए। ये इंजन का जो टाइमिंग रहता है वो बहुत अलग रहता है, हर गाड़ी का अलग अलग रहता है, तो आप मिस्त्री पास अच्छे मिस्त्री पास जाइए और उसकी टाइमिंग जो है चेक करिए। अगर टाइमिंग सही से आए तो आपको सेंसर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि टाइमिंग सही से आए फिर भी जो है सेंसर जो है शो हो रहा है P0011 तो आपका सेंसर खराब हो चुका है, तो आप क्या करिए उस सेंसर को चेंज करिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सभी दूसरे जो सेंसर रहते हैं वो अलग रहते हैं और कैमशॉफ्ट और क्रैंकशॉफ्ट का जो सेंसर रहता है वो अलग रहता है। इन दोनों सेंसर को आने के बाद, यानी कि इन दोनों सेंसर का कोड आने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, यानी कि कैमशॉफ्ट का सेंसर आएगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर क्रैंकशॉफ्ट का सेंसर का जो कोड आएगा तब आपकी गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि
क्रैंकशॉफ्ट का जो सेंसर रहता है वो पूरी पोजीशन दिखलाता है इंजन की, पिस्टन की, और कैमशॉफ्ट का जो सेंसर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का जो कैमशॉफ्ट जो फिरता है उसकी पोजीशन दिखलाता है। तो आपको कैमशॉफ्ट अगर सेंसर आ रहा है P0011 तो आपको गाड़ी बंद करनी है और उसका जो है पूरा इलाज करना है पहले, और उसके बाद में आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आप गाड़ी मत स्टार्ट करिए अगर आपका दूसरा सेंसर का आ रहा होगा, एयर फ्लो यानी कि एयर मास सेंसर का, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का, टर्बो का, या फिर जो कैटेलिक कन्वर्टर रहता है उसका यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का अगर आ रहा है, या फिर ऑक्सीजन सेंसर आ रहा है, तो आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कैमशॉफ्ट सेंसर में और क्रैंकशॉफ्ट सेंसर में आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, पहला तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों सेंसर जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है कार में। अगर आपको कुछ भी आ रहा है तो आप चेक करिए, उसके बाद में जो है आपको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG गैरेज चैनल।